Assalamualaikum students, my name is Mohammad Saad Beg and today in my lecture video I will discuss about branches of biology for of class 9 bio. ठीक है, तो हम chapter number 1 के अंदर last lecture के अंदर पढ़ के आए थे bio के बारे में, life के बारे में और division of biology के बारे में. ठीक है, हम अब आगे ही continue करेंगे और आज हम देखेंगे branches of biology को. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को. ठीक है, उसमें ब्रांचेस हमारे पास बायो के अंदर क्या क्या कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसमें हम क्या स्टडी करते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्फ, व्हाट जो मॉर्फ है, मॉर्फ का जो वर्ड है मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल. मॉर्फ से या माफ से का अगर मतलब देखते हैं, माफ का मतलब होता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब यानी बाहरी, जो अपेयर हो रहा है आपके सामने, जो आपके सामने अपेयर हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, माफ या एक्सटर्नल. और लोजी हम बात करके आए थे लोगस से निकला है और लोगस वर्ड यूज होता है फॉर दी स्टडी. तो आपके पास अगर हम मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं कि मॉर्फोलॉजी के हम अंदर हम किस तरीके की स्टडी करते हैं, तो स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर बायो की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो डिस्कस करेंगे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा. ठीक है, यानी एक्सटर्नल अपेयरेंस है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जो होगा उसकी स्टडी जो करते हैं वो हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, एनाटॉमी है. एनाटॉमी की अगर बात करते हैं, अक्सर लोग इसको एनाटॉमी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. तो ये जो आपके पास है एनाटॉमी जो वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या है, एना का मतलब होता है अब, एना का वर्ड मतलब है आपके पास, एना स्टैंड फॉर अब. ऑटोनॉमी का वर्ड जो निकला है वो आपके पास ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है आपके पास कट. ठीक है, एना मतलब अप एंड टोनी मतलब कट. तो एनाटॉमी का वर्ड जो है आपके पास, एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है वो उसको हम अगर ड्राइव करते हैं तो वो इस तरीके से हम होगी कि द स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनम या एक्सटर्नल अपेयरेंस of the living organism is known as anatomy. ठीक है, यानी हम किसी भी चीज को कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं किसी organism का, तो उसको हम क्या कहते हैं, anatomy कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास है next, that is the histology. Histology की अगर बात करते हैं तो histo stand for a tissue. Histo का word जो use होता है वो tissue के लिए use होता है. अब tissue क्या है ये बात अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जो भी लिविंग ऑर्गम है, जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी सेल्स. ठीक है, लाइफ स्टार्ट हुई थी सेल से, और सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू. ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है, द हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यू. स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे यहाँ पे हम, फंक्शन की भी बात करेंगे कि किसी भी टिश्यू की का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका मैकेनिज्म जो भी है उसको हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है आपके पास सेल बायोलॉजी. ठीक है, सेल बायोलॉजी, सेल मतलब खुलिया है कोई भी लिविंग बेसिक सेल. ठीक है, बायो भी लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी. यानी अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सेल की स्टडी की, यानी एक सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसकी अपेयरेंस क्या है, वो किस जगह पे पाया जा रहा है, तो वो जो आपके पास होता है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं. यानी बेसिकली इज द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल बायोलॉजी. ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है आपके पास फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियो मतलब है फंक्शन. ठीक है, किसी भी ऑर्गन का फंक्शन या किसी भी कोई भी ऑर्गन जो है वो किसी बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन अपेयर कर रहा है या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी. ठीक है,
तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन इज नॉन एज फिजियोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी, जो आपके पास ब्रांच नंबर सिक्स है। ब्रांच नंबर सिक्स जो आपके पास टैक्सोनॉमी है, टैक्सोन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। टैक्सोन का जो वर्ड है, टैक्सोन का वर्ड जो है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। और नोमी का वो जो वर्ड है वो आपके पास है नोमेनक्लेचर, लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर से, यानी नेमिंग लॉ। अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, और उनको क्लासिफाई करके नेम दे रहे होते हैं, बायोलॉजिकल नेम दे रहे होते हैं, यानी साइंटिफिक नेमिंग दे रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी द स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट एंड द गिविंग नेमिंग लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर आपके पास जीन जो होता है, जो जीन जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जीन जो है वो आपके पास, अब हमें पता है क्या कर रहा होता है, कंट्रोलिंग यूनिट है, फंक्शन कंट्रोलिंग यूनिट है किसी भी बॉडी फंक्शन का, ठीक है, बॉडी फंक्शन का, यानी इनहेरिटेंस का क्या है, बेसिक यूनिट है। इनहेरिटेंस क्या होती है, वो चीजें, वो करेक्टर जो आप पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन, यानी उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है, वो करेक्टर। और वो जो इनहेरिटेंस है वो किस, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो जीन कर रहा होता है कंट्रोल। तो इस तरह सिंपल द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक और इनहेरिटेंस मटीरियल विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल नेक्स्ट उसकी, तो आपके पास क्या है, दैट इज द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हमने हमारी जो प्रीवियस सिन टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर नाम दिया हुआ था इकोलॉजी का, ठीक है। इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट, इको स्टैंड फॉर सराउंडिंग, यहाँ पर सॉरी हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पहले जो नाम दिया हुआ था वो नाम दिया था एम्ब्रियोलॉजी का, ठीक है, प्रीवियस बुक में नाम दिया हुआ था एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक ही उसमें स्टैंड करती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से डेवलप कर रहा है, यानी एक सेल बना, सेल बनने के बाद वो क्या कर रहा है, पूरे ऑर्गेनम में डेवलप हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं, हम लास्ट क्लास में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि एक ऑर्गेनम है, एक अंडा है, एग है, एग के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक चिक डेवलप हो रहा है, चिक जब बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और यानी हम अगर बात करते हैं, अब इस एग के अंदर जितनी भी चेंजिंग आएगी, ठीक है, कि एग के अंदर आपके पास किस तरीके से चेंजिंग आ रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, चिक के अंदर। तो जो एग के अंदर चीज बन रही होगी उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। जो एग के अंदर जो चीज बन रही है, यानी जो चिक बन रहा है उसको, उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जब तक कंप्लीट डेवलप नहीं होता, ठीक है, जब तक चिक नहीं बनता, उसकी जो स्टडी है उसके अंदर जो ग्रेजुअली चेंज आ रहा है उससे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। प्रीवियस बुक में हमारे पास क्या था, वो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से था। इसी तरह हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी आपके पास जो है वो है आपके पास सराउंडिंग की स्टडी, द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की का जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है उसको हम क्या कह रहे हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कह रहे हैं, या प्रीवियस बुक में इसका नाम क्या था हमारे पास, इकोलॉजी था। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आपके पास जो है वो है पैरासेंटोलॉजी। पैरासेंटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अ स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं लेकिन उन खत्म, यानी जिस दुनिया में पाए नहीं जाते लेकिन उनकी बोन्स या उनके फॉसिल्स या उनका वजूद किसी तरीके से इस दुनिया में मौजूद है, उन फॉसिल्स की हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरासेंटोलॉजी कहते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, तो अगर प्लांट है तो उसको बॉटनी से रिलेटेड करेंगे, और अगर हम बात करते हैं जूलॉजी, अगर कोई एनिमल है तो उसको हम जूलॉजी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या है, अगेन लाइफ, टेक्नो मतलब कोई भी टेक्निकल वर्क, ठीक है, ट्रीटमेंट का वर्ड या वर्किंग का वर्ड, लॉजी स्टैंड फॉर अ स्टडी, यानी एक ऐसी स्टडी
जो टेक्निक्स पे डिपेंड कर रही हो और लाइफ के ऊपर बेस हो, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन ऑन ईच अदर, दैट इज नोन एज द सोशल बायोलॉजी। उसके बाद अगर बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की, पैरासाइटोलॉजी की अगर हम बात करें, पैरासाइट वर्ड आपके पास जो है वो पैरासाइट जो है वो पैरासाइट, ये जो पैरासाइट वर्ड है, पैरासाइट का मतलब होता है कोई, यानी एक लिंक है, एक कनेक्शन है, एक कम्युनिकेशन है दो ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान, दो स्पीशीज के दरमियान। अगर हम बात करते हैं दो ऑर्गेनिज्म्स के या दो स्पीशीज के दरमियान, अगर एक स्पीशी है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस कर रहा है, यानी अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से खा रहा है, अपने अपना न्यूट्रिशन किसी और, अपनी जिंदगी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जिंदगी किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और वो अपना खाना, अपना फूड, अपनी लाइफ पूरी उस ऑर्गेनिज्म पे गुजार रहा है और साथ साथ उसको बीमार कर रहा है या उसको कोई डिजीज कॉज कर रहा है उसको, या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज पैरासाइट। ठीक है, और उस पैरासाइट की लाइफ साइकिल, उसकी ट्रांसमिशन, यानी वो उस अपने होस्ट तक या उस ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंचा और वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी लाइफ साइकिल किस तरीके से गुजार रहा है और डिजीज किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, उस जो वो जो पूरी स्टडी है उसको हम स्टडी करते हैं इन पैरासाइकोलॉजी के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पर फार्मा का वर्ड यूज होता है ड्रग्स के लिए। अब ये वो ड्रग्स नहीं है जो हम नशा के लिए यूज करते हैं, हम ड्रग्स का बेसिकली जो ड्रग यूज हो रही है वो यूज होती है ऐसी ऐसे केमिकल्स के लिए या ऐसी चीज के लिए जो आप टेक आप अपनी बॉडी में टेक करें और उसके बाद क्या हो, आपको टेम्पररी किसी भी चीज से, किसी पेन से या किसी आपके पास सर दर्द हेड एज से क्या हो जाए, सुकून मिल जाए, रिलीफ मिल जाए सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, उसको हम वर्ड, उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रग का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर, बेसिकली हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी जो आपके पास ब्रांच है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, ड्रग्स की, ठीक है, यानी मेडिसिन की और इसके इफेक्ट की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपनी उनकी यानी उनकी लाइफ के अंदर क्या, किस तरीके से वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अफेक्ट करती है, किस काम करती है, उनकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, फार्माकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायो स्टैंड फॉर अगेन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी, और मॉलिक्यूल मतलब हमने पढ़ा है जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से मिलकर बना है, ये बात क्लियर है हमें, मल्टीपल हमारे पास, हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बायो मॉलिक्यूल्स की, कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से बायो मॉलिक्यूल अपना काम कर रहा है और किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है जिनको हम स्टडी करते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अच्छा, यहाँ पर एक लिए बात क्लियर कर देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बात कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल मौजूद है किसमें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं इन सब की, मेटाबॉलिज्म्स की, एंजाइम्स की एंड बहुत सारे फर्दर केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, वहां पर हम यहाँ अगर हम बात करते हैं, यानी हम वहां पे बेसिकली रिएक्शंस देख रहे होते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, और एंजाइम्स को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म को, उनकी फैक्टर्स को, ये सारी चीजें हम बेस कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, आज की लेक्चर हमारे क्लास 9 के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के, हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा क्लास 9 का, उसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे विद द अदर साइंसेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और साथ साथ कोशिश करेंगे एक और टॉपिक करें, दैट इज द करियर इन बायोलॉजी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो अपने भी जाके देखे, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि इस लेक्चर में जो हमने बात की, लाइफ क्या होती है, बायो क्या है, लॉजी क्या है, तो उसको वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।